आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुझा प्यारा स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम मां तव्हांजी सिंधी टीचर मिस सना सुमरो एक बार बेटा फिर हम ऑनलाइन स्टडीज में हमारा मंथ ऑफ मई यानी निसाब बराए माए मई के साथ हम हाजिर हैं। पहला हफ्ता पहले हफ्ते में हमारे पास बेटा क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसे कि हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हुए आए, आज हमारे पास है बहुत ही अहम टॉपिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान और मुबारक का ये बाबरकत महीना है, हम बेटा इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी इबादतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से। जैसे कि आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा दुआ हम क्या मांग रहे हैं कि या अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस वबा को दूर कर दे, हम सब को मुसलमानों को या मुसलमानों से हटके जो भी हैं चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, हम सब की दुआएं कबूल कर ले और हमको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, हमें आज क्या पढ़ना है, दुआ। नज़म हमारे पास है दुआ। ठीक है बेटा, आज की हमारी नज़म है नज़म दुआ। दुआ में हम पढ़ेंगे आज हमें क्या बता रहे हैं शायर, एक ये नज़म लिखी हुई है सिंधी में। ठीक है बेटा, पेज नंबर 51। असा के तू साईं सदाई खुदाया, करम सा उपाई निभाई खुदाया। असा के तू साईं सदाई खुदाया, करम सा उपाई निभाई खुदाया। जियारे तू मारी तू आहे तू मालिक, तू ही राजिक सबके रसाई मौला, तू ही रिस्क सबके रसाई मौला। न मुठ तुझो मौला तू बेमिसल आही, असी तुझा बाना तू साई खुदाया। दिसी तो पिसी तो तू हर जाए असा के, तू शल वाट पेंजी पसाई मौला। करूं इल्म हासिल चंगो कर असा के, जवानी का पीरी ताई खुदाया। करूं तुझे दर्द दे ये अर्ज साई, कुकर शल करम जो वसाई खुदाया। ठीक है बेटा, ये मैंने अब सिंधी में पढ़ी नज़म। जब हम नज़म पढ़ते हैं तो हमारा स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, जब हम सबक पढ़ते हैं तो वो हमारा स्टाइल कुछ और होता है और नज़म का अंदाज हमारा अलग होता है। तो पहले मिसरे में, पहले शेर में शायर ये दुआ मांग रहे हैं कि असा के तू साई सदाई खुदाया, यानी तू अल्लाह ताला हमें हमेशा हमारा खुदा तू ही रहे। करम सा उपाई नुबाई तो खुदाया, यानी अल्लाह के ही करम से हम ये दुनिया में जो चीज़ें उगाई जा रही हैं, अनाज फल फसलें, ये सब किसके करम से हैं, ये सब हमारे प्यारे अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम से हैं जो हमें सब हासिल हो रहे हैं। जी आनी तू मारी तू आही तू मालिक, अल्लाह ताला हमारे मालिक है ना, वो जिंदा भी करते हैं वो मारते भी हैं, यानी जिंदा को फिर उठाया जाता है, मरे हुए को जिंदा करना, ये सब काम अल्लाह ताला का है। एक वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने सबका वक्त मुकर्रर लिखा हुआ है कि कौन किस वक्त जिंदा होगा या कौन किस वक्त मर जाएगा, ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तू ही रिक्स सबिन के रसाई मौला, अल्लाह ताला ही सबको रिक्स पहुंचाते हैं। किस तरह पहुंचाते हैं, एक जरा सी एक तिनके में जान हमारे अल्लाह ताला जब डाल सकते हैं, एक छोटी सी चूटी को जब खिला सकते हैं उसे रिच पहुंचा सकते हैं, तो फिर ऐसे में क्या हमें अपने अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना नहीं चाहिए, क्या ये कम होगा कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। ठीक है बेटा, तू मठ तू जो मौला तू बेमिसल नाही, असी तू जा बाना तू साई मौला। मठ का मतलब बेमिसाल, यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं होती, हमारे अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं है, वो बेमिसाल है, वो बहुत बड़ी कायनात के मालिक हैं, किस तरह दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं के इख्तियार में है मेरे प्यारे बच्चों।
और हम तो सिर्फ एक छोटे से बंदे हैं, हम सिर्फ गुलाम हैं जो सजदा करके हम सिर्फ ये शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए बनाई हैं वो तरह तरह की देखने के काबिल है। ये खूबसूरती दुनिया में अगर हम देखें तो हर रंग के परिंदे, हर किस्म के जानवर जो हम एक इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सब का खालिक कौन है? वही अल्लाह, प्यारा अल्लाह, हमारा अल्लाह ताला। अच्छा, डिसी तो पिसी तू तू हर जाए असा के, तू शलवाट पेंजी पसाई खुदाया। अब अल्लाह ताला ही सीधा रास्ता दिखाता है। कैसे दिखाता है? इंसान जब गलत रास्ते की तरफ चल रहा होता है तो एक अल्लाह ही होता है। बेटा, एक ठोकर जो हम खाते हैं उससे हमें पूरी जिंदगी का सबक हासिल हो जाता है, नसीहत हासिल हो जाती है। क्यों? अल्लाह ताला हमें दिखा देता है, अपना जलवा दिखाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं हर जगह मौजूद हूँ, हर जगह पे मैं अपने बंदे को देख रहा हूँ, अपने बंदे बंदी को हर जगह, वो हर चीज पे कादिर है, वो हमें हर जाए पर यानी जगह पर वो देख रहे हैं। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है ना, तो वो हम सब पर कादिर है और वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर हम गलत करेंगे तो एक बार वो हमें ठोकर देगा, उसके बाद हम सही रास्ता इख्तियार करेंगे, सही रास्ते पे चलना लग जाएंगे, हमें नसीहत हो जाती है, सबक हासिल हो जाता है। कहीं इल्म हासिल चंगो कर असा के, जवानी का पीरी ताई खुदाया। अब इल्म हासिल करने की कोई लिमिट नहीं होती बेटा, आप जवानी में, बचपन में भी करते हैं, जवानी में भी करते हैं, बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। जैसे कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज करार दिया गया है, तो हम इल्म हासिल करें, अच्छा इल्म, इल्म हासिल करके हम ये ना तवक्को करें, हम ये ना सोचे कि हमें तो हम इतने आलिम फाजिल हैं, हमें इतना गुरूर आने लग जाए। नहीं बेटा, हमें गुरूर कभी भी नहीं करना अपने ऊपर, क्यों? वो खुदा हमें देख रहा है। तकब्बुर का अंजाम फिर किस तरह बुरा होता है वो आप लोग देखते हैं, हमें दुनिया में ही पता चल जाता है। जैसे कि आप लोग के आगे अब सब कुछ सूरत हाल है, हम देख रहे हैं ना सब कुछ, ठीक है? तो इल्म हासिल करने की कोई भी उम्र नहीं होती, चाहे वो जवानी में हासिल करें, जवानी का पीरी ताई यानी जवानी से बुढ़ापे तक भी आप इल्म हासिल कर सकते हैं। करियूं तुझे दर्द ते ये अर्ज साई, यानी अल्लाह ताला से अब शायद क्या कह रहे हैं, अब ये दुआ मांग रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला के दर पे ही ये दुआ मांग रहा हूँ कि जिंदगी हमारी सदा, शल का मतलब है सदा, हम अपना सुखी और तंदुरुस्त गुजारें अपनी जिंदगियों को। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे उससे जो है जमीन से, हमारे जमीन से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। हमारी ऐसी अच्छाइयाँ होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी के लिए अच्छा हो, ठीक है बेटा? तो आज हमने ये नज़म हमारी माए मई में हमने क्या पढ़ा, एक दुआ, दुआ की सूरत में ये कुछ अशआर लिखे हुए थे, वो हमने दुआ मांगी। जैसे कि हम ये दुआ मांगते हैं हर वक्त बेटा, आप लोग भी नमाज में ये दुआ मांगते रहें कि जल्दी जल्दी से जो है ये वबा ख़त्म हो जाए और हमारे स्कूल खुल जाए, हम फिर से अपनी वही सुखी और शाद जिंदगी गुजारने लगे। अब इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, मैं बोर्ड पे लिखूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, तो ये है हमारे अल्फाज मायने। सदाई का मतलब है हमेशा, जियानी दो यानी जिंदा करना, रसाई पहुंचाता यानी रिस्क पहुंचाना, वाट रास्ता, मथ यानी मिसाल, या अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं है, वो बेमिसाल है, ठीक है बेटा? ये थे हमारे कुछ मुश्किल अल्फाज। इसका तमाम काम, मशकी सवालात और बाकी जो भी इसके बुक के सवाल जवाब हैं, वो तमाम काम आप लोगों को पीडीएफ के ज़रिए मिल जाएंगे। और मेरे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और SOPs पे अमल भी करना है हमें। और जिस तरह मैंने बताया कि ये बाबरकत महीना है, इसमें हमेशा दुआ करते रहना है, अपने के लिए भी, हमारे लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी,
कि अल्लाह ताला हमें सब कुछ हमारा निज़ाम पहले वाला कर दे और हम हंसी खुशी अपने स्कूल आए और ये सब कुछ वबाएं जो हैं दूर हो जाएं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।